अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटे, आज का टॉपिक हमारे पास है एक्सरे। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर। बेटे सबसे पहले मैं आप लोगों को इस लेक्चर में दो चीजें इसमें आएंगी, एक एक्सरे प्रोडक्शन है और दूसरा मूजले लॉ है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटे। सबसे पहले तो आप लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम रखते हैं टंगस्टन का फिलामेंट, ठीक है। दिस टंगस्टन फिलामेंट विल एक्ट एज, इधर लिख देते हैं हम, टंगस्टन विल एक्ट एज कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। यहां पर मैं बना देती हूं, हमारे पास ये एनोड है, ठीक है। दिस इज एनोड और इधर मैं लाइन्स लगा देती हूँ। एनोड आपने याद रखना है, ये टारगेट का काम कर रहा है और कैथोड जो है वो सोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, बेसिकली इधर होता क्या है हमारे पास, यहां पर क्या होता है कि कैथोड जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस करता है कैथोड रेज, उनका नाम आप इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है बेटे, यहां पर हम इनको देते हैं हाई वोल्टेज। जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते जाकर स्ट्राइक करते हैं एनोड से। जैसे ही ये इस एनोड पे स्ट्राइक करते हैं वैसे ही ये स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे रिलीज एनर्जी। In the form of electromagnetic waves, ठीक है। At the same time, जब ये stop होते हैं, टकराते हैं और stop हो जाते हैं तो बेटे ये produce करते हैं X-rays। कैसी एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे, इट विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एटम विच इज बीइंग यूज्ड हियर। किस वेवलेंथ की एक्सरेज हैं, एक्सरेज वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एक्सरेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एनोड, ठीक है। सही है कि हमारे पास किस वेवलेंथ की एक्सरेज हम यूज कर रहे हैं, इट विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एनोड। अब उसके बाद हमारे पास, आपको पता है ये जो एक्सरेज इमिट हुई है ना, ये इमिट हुई हैं इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन हमने कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक्सरेज यूज करनी है। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ कि किस तरीके से नेचर पे डिपेंड करता है। हमने कहा एक्सरेज जो हैं वो हमारे पास नेचर पे डिपेंड करती है एनोड की, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जरा हम ओपन करके, मैं यहाँ पर एक एटम बनाती हूँ बेटे। हर एटम के अंदर डिफरेंट शेल है,
इलेक्ट्रॉन यहां से इधर एक्साइट होता है, फिर डी एक्साइट होता है, कितनी एनर्जी इमिट करता है, सोडियम में कितनी, लिथियम में कितनी, पोटाशियम में कितनी, हाइड्रोजन में। बेटे एलिमेंट टू एलिमेंट साइज वेट वेरी करता है, जिसकी वजह से एनोड जो है वो हमारे पास, उसकी नेचर भी क्या होगी, वेरी करेगी कि कितनी एनर्जी उसने रिलीज की है और कितनी वो एक्सरेज को प्रोड्यूस कर, एक्सरेज की वेवलेंथ की प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बात आती है, हमने कहा कि एक्सरेज जो बनी है दे आर इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सरेज इज बीइंग यूज्ड। Is used for a useful purpose. Useful purpose क्या है? The small portion of X-rays is used for useful purpose. कैसे बेटे? उनमें से थोड़ी सी प्लैटिनम की प्लेट की स्लिट में से गुजरेंगी, गुजरते वक्त प्लैटिनम प्लेट स्लिट एल्यूमिनियम की विंडो तक जाएंगी, दिस इज एल्यूमिनियम विंडो, ठीक है, वहां से गुजर कर फिर वो जाकर गुजरेंगी K4FeCN6 की क्रिस्टल से। इस क्रिस्टल से जब वो गुजरेंगी तो वो इस क्रिस्टल में कंप्लीट एनालिसिस होगा उनका। देखें ना, एक्सरेज बनी, आगे कहाँ कहाँ जा रही हैं, पहले वो गई हैं प्लैटिनम प्लेट से गुजरते वक्त एल्यूमिनियम विंडो तक, और उसके बाद वो जो हैं वो हमारे पास K4FeCN6 की क्रिस्टल पर गई हैं, वहाँ एनालाइज हुई। आफ्टर एनालिसिस दे विल डायफ्रैक्ट फ्रॉम दिस क्रिस्टल, और बेटे वो क्या देंगी, दे विल प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बिकॉज लाइन स्पेक्ट्रम वेरी, ये बेटे विद चेंज हमारे पास जैसे जैसे चेंज होती है किसकी नेचर, एनोड की नेचर, वैसे वैसे ये चेंज होता है, it change with type of anode. यानी ये एक करेक्टरिस्टिक है एटम की। जब स्पेक्ट्रम बनता है हम फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं कि ये स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हुआ हुआ है, आगे फोटोग्राफिक प्लेट, उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं यदि स्पेक्ट्रम इज फर्दर divided into spectral lines. अब ये कौन सी spectral lines हैं? ये हमारे पास कौन सी spectral lines हैं? ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास M, K, L. फर्दर थ्री स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हुआ हुआ है, और आपको पता है ये थ्री फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू के अल्फा, के बीटा, एम अल्फा, एम बीटा एंड एल अल्फा, एल बीटा, इस तरीके से इनकी वैरायटीज होती है। तो हम दोबारा से रिपीट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट, अब सारे वर्ड्स गौर से सुनिएगा, द हीटेड टंगस्टन फिलामेंट विल प्रोड्यूस कैथोड रेज, दे एक्सेलरेट बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज एंड दे स्ट्राइक टू द एनोड, आफ्टर स्ट्राइकिंग एनोड दे विल प्रोड्यूस एक्स रेज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, बट वेन दे स्ट्राइक द एनोड they will stop for a while, they will release energy that will be in the form of electromagnetic waves. The wavelength of these x-rays will depends upon the nature of the anode which is being used here. Now the emitted x-rays will move some sort of
little amount of X-rays will move for useful purpose. They will pass through platinum plate. After passing from platinum plate, they will move to the merge into aluminium window. From where they will move to the crystal K4FeCN6. After analysis in this crystal, they become diffracted and they will produce spectrum, that is line spectrum, atomic spectrum with change with the nature of anode. After this, we will visualize it in a photographic plate where this spectrum will have spectral lines. These lines may be alpha, beta and K, L, M, and these are further divided into alpha, beta and gamma. तो बेटे ये एक्सरे की प्रोडक्शन थी. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो बेटे जरूर पूछिएगा. मूजले लॉ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.